हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। इससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। क्रिएटिविटी जो है कहीं से आएगा नहीं, आप कोई कोर्स करके या कोई ऐसा करके कि आपको कोई सिखा देगा, कोई घोटी पिला देगा, कोई किताब पढ़ के, ऐसा कुछ क्रिएटिविटी आने वाला नहीं है। इसमें प्रैक्टिकल गेम होता है। एक तरीके से आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए होता है। और कैसे होगा, जब आप करते रहेंगे उसमें, काम में करते रहेंगे, तो अपना सीक्रेट आप खुद निकाल लेंगे क्रिएटिविटी कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। तो इसका सबसे मेन फंडा यही है कि आप दो या तीन ऑब्जेक्ट को, या दो तीन जो भी क्लाइंट है, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी उसका ब्रीफ में दिया हुआ है, जो भी उसका कंपनी का काम है, उसको आप कम से कम ग्राफिक में कैसे दिखा सकते हो, या दो तीन चीजों को एक छोटे से ग्राफिक में कैसे इंक्लूड कर सकते हो, वही चीज क्रिएटिविटी है। आइए मैं एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, फिटोलॉजी सप्लीमेंट करके कंपनी है, ये कैप्सूल बनाती है या कुछ पावर बिल्डिंग वाले जो बॉडी बिल्डर हैं उनके लिए सप्लीमेंट तैयार करती है। तो ये डीएनए और अमीनो एसिड ये इसने दिया है रेफरेंस के लिए कि ये दो चीज़ आप लोगों में ऐड कर सकते हो तो कर लो। तो मैं इन दोनों को कंपाइल करके लोगों तैयार करने की कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं हम कितना इसमें सफल हो पाते हैं। और अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो कुछ फॉन्ट इसमें हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या हम फॉन्ट लगाएंगे, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, पहले फॉन्ट कुछ दो तीन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप ऑब्जेक्ट या उसका जो आइकॉन है आप क्रिएट करो और बाद में उसके अनुसार फॉन्ट को क्रिएट करो। तो दोनों ट्रिक्स आप अपना सकते हो, जैसे आपको बेस्ट लगे। लेकिन आपको मैच करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को या लोगों के टेक्स्ट को और फिर आइकॉन को, दोनों को एक से मैच हो। या अगर मोटा फॉन्ट है तो आइकॉन भी मोटा हो, हैवी हो, अगर आइकॉन पतला सा है या कुछ ऐसा एलिगेंट है तो फॉन्ट भी वैसा उसे मैच हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है। तो ये देखो, मैं कुछ फॉन्ट इसमें से निकाल रहा हूँ जो बेटर लग सकता है मेरे को, फिर उसको मैं रखूँगा, फिर उसके अनुसार मैं इसका आइकॉन को क्रिएट करूँगा। तो ये दो तीन फॉन्ट मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो, ये सेकंड वाला भी अच्छा लग रहा है, इस फॉन्ट को मैं अभी रख लेता हूँ। अब इसको कुछ शेप तैयार करता हूँ, कैस किस शेप में मैं बनाऊँगा इसको आइकॉन को। देखो, स्क्वायर, सर्कल, कुछ शेप तो आपको पहले से क्रिएट करना पड़ेगा किस शेप में मेरा लोगो रहेगा। तो मैं ऐसे दो शेप यहाँ पे ले लिया हूँ। अब क्या करना है, मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट को इसमें डालना है। और कलर जो है, क्लाइंट ने दो कलर वैसे रेफरेंस दिया है, एक ब्लैक और एक डार्क ऑरेंज करके कलर उसने दिया है रेफरेंस। तो ये कलर का पैच मैंने दो यहाँ बना लिया, तो इस कलर को मैं यूज करूँगा इसमें। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेफरेंस क्लाइंट ने दिया इमेजेस, ये तो जेपीजी है, हमें वेक्टराइज करना पड़ेगा और उसको इसमें यूज करना पड़ेगा। तो इसको पहले तो ट्रेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, फिर इसको मैं एक गोले में डालूंगा। इसका देखो दो तरीका, एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले इस जो अमीनो एसिड है उसी के ऊपर आप लाइट कलर करके इसको ट्रेस करो, फिर उसको देख के आप अलग से भी बना सकते हो। जैसे मैं अलग से यहाँ बना रहा हूँ, आप उसके ऊपर भी रख के बना सकते हो या अलग से बना सकते हो। अब देखो, ये गोले थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेता हूँ मैं, और इसमें लाइन खींचना पड़ेगा हमें जो कनेक्ट हो। ऐसा केमिस्ट्री में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे, इस तरीके का ये है। अब यहाँ से मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है, ये देखो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसको।
अब देखो थोड़ा सा इसको बेस्ट लुक ला रहा हूँ मैं, थोड़ा सा वो अच्छा लग नहीं रहा था तो मैं लेफ्ट से राइट कर दिया इसको और एक शेप बना दिया, ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री का कोई वो है, केमिकल का स्ट्रक्चर है। अब जो ये डीएनए है उसको मैंने ट्रेस कर रहा हूँ, तो डीएनए को मैं एक शेप दे दिया हूँ, यहाँ पे स्मूथिंग कर रहा हूँ इसको कि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, फिर इसके बीच में मैं लाइन डालूँगा, फिर ये डीएनए जैसा इफेक्ट आ जाएगा इसमें। अब इसको थोड़ा मोटा करता हूँ मैं। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को इस पे मैं रखूँगा, इन दोनों में से किसी एक पे, और जिसमें बेस्ट लगेगा फिर उसको कलर हम उसको करेंगे, दो कलर जो क्लाइंट ने दिया है, और उसको कंपाइल करके एक लोगों के शेप में लाने के कोशिश करेंगे। तो ये देखो मैंने इस सर्कल वाले पर रख दिया हूँ, इस पे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और कलर मैंने कर दिया जो क्लाइंट ने दे रखे हैं, और इसको मैंने थोड़ा आउटर में भगा दिया है कि ऐसा लगे कि यहाँ से कट रहा हो ये, और मैं इसको भी दो कलर में कर दिया क्रॉप करके। तो ये देखो काफ़ी बेटर लग रहा है अब, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।